हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बहुत अच्छा हूँ और हाजिर हूँ एक बार फिर से आइसक्रीम एपिसोड में। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और घंटी को भी जरूर दबा देना यार। हे दोस्तों, मुझे अपने भैया की बहुत याद आ रही है। हे भैया, आ जाओ ना अब भी। ओए मुन्ना, मैं अभी आया। और तू ये क्या कर रहा है? किसकी पेंटिंग बना रहा है? एक किडनैपर की? मैंने तेरे को यही सिखाया था मुन्ना। ए भैया, वो रोड कोई किडनैपर नहीं है, बल्कि वो बहुत सुधर गया है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया है भैया। आप उसको किडनैपर मत बुलाओ। ओए ये क्या बात कर रहा है तू? कैसे बेकी बेकी बातें कर रहा है? पागल हो गया है क्या? वो किडनैपर है और किडनैपर ही रहेगा। ए वो किडनैपर नहीं भैया, देखो वो अभी अच्छा हो गया है, सुधर गया है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में शाउट आउट दिया है तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आपका भी नाम आ सकता है यार। और मुन्ना, वो देख पीछे से आ रहा है। मैंने तेरे को बोला था ना, अभी भी वो वैसा ही है। ये देखो फ्रिज कर दिया ना, मैंने बोला था ना मुन्ना। पर भैया, वो तो मेरा दोस्त है, वो ऐसा कैसे कर सकता है यार? मुझे पता नहीं है, वो मेरा दोस्त है। और मुन्ना, तू ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? मैं तेरे को एक शेर सुनाता हूँ, सुन। अगर कुत्ते की पूंछ कितनी भी जमीन में गाड़ लो ना, तो वो सीधी नहीं होती और वैसे ही मुड़ी की मुड़ी रहती है। वैसे ही तेरा दोस्त जैसे पहले था ना, वैसा ही रहेगा, वो सुधरने वाला नहीं है मुन्ना। पर भैया, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, वो ऐसे कैसे कर सकता है? मैं उसके पास जाके पूछूंगा ऐसे क्यों किया उसने। ए रोड, तूने मेरे बबली को फ्रीज क्यों कर दिया, बताओ? नो कमेंट। ए नो कमेंट क्यों बोलता है यार? इतनी बड़ी बात है और तू नो कमेंट बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो वैसे ही थे, नहीं सुधरोगे। और मुन्ना, तू संभाल लेना बाकी का, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे को बहुत काम है। हे भैया, आप जा सकते हो यार, बाकी का काम मैं देख लूँगा यार। मैं छुड़ाऊँगा बबली को, क्योंकि बबली है ना, वो मेरी बबलू की बहन है, इसके लिए मेरी भी बहन हुई ना, तो मैं छुड़ाऊँगा उसको, छोड़ूंगा नहीं इसको, तो मैं रोड को छोड़ूंगा नहीं। और ये मोटा कौन है यहाँ पे? मोटा तो रो रहा है, शांत हो जा मोटे, तेरे को सब चुभी चुभी बुलाते हैं, इसके लिए तू क्यों रो क्यों रहा है? इतना मोटा आइसक्रीम नहीं खाता ना, तो इतना मोटा नहीं होता। कोई बात नहीं, अपना एक्सरसाइज करके वजन घटा लेना, अब उसमें रोने की क्या बात। ये लो दोस्तों, हम पहुंच गए सिनेमा घर के बाहर में। ये रहा सिनेमा घर और ये पार्टी पहुंच गई हमारी। चलो दोस्तों, अब जाएंगे यहाँ से बाहर। यहाँ से हमको परफ्यूम और एलएच वेज की तलाश करनी होगी। चलो इसको खोला, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। टूल बॉक्स है, क्या है इसके अंदर दिखाओ। इसके अंदर तो एलन वैली मिल गया दोस्तों, मज़ा आ गई। इसको लेके जाऊंगा गाड़ी के अंदर और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। चलो दोस्तों, अब मुझे खोजनी होगी परफ्यूम। और ये रोड कहाँ जा रहा है? ये रोड सुनना, परफ्यूम कहाँ मिलेगा जल्दी बता। यहाँ पे खोजता हूँ, क्या है इसके अंदर? उसके अंदर भी कुछ नहीं है। इसको खोलता हूँ, क्या है दिखाओ? कुछ भी नहीं। चलो दोस्तों, मैं यहाँ से आगे जाऊँगा, बाकी गाड़ी में ढूंढना होगा, सारी डेकी को खोलेगा। ए यहाँ पे मिल गया है मेरे को परफ्यूम। चलो दोस्तों, इसको लेके जाऊँगा गाड़ी के अंदर। ए दोस्त, तेरे को भी लगाना है क्या परफ्यूम? तेरी बदबू बहुत आ रही है, ये देख बगल में कितना पसीना आ रहा है। ले ले थोड़ा परफ्यूम, ये ले। मज़ा आ गई दोस्तों, मैंने उसको मार दिया, मतलब कि मैंने उसको सर पे मारा तो वो चकरा गया। चलो दोस्तों, यहाँ पे फेंक के मैं जाऊँगा अभी सीधे स्टॉल के अंदर। ये चली मेरी गाड़ी स्टॉल के अंदर। ये मैं पहुँचा स्टॉल के अंदर, यहाँ पे क्या है दिखाओ? यहाँ पे तो एक स्टॉल का दरवाजा होगा। चलो इसके अंदर देखता हूँ, क्या है इसके अंदर दिखाओ। ये मैं पहुँचा स्टॉल के अंदर, इसको खोलता हूँ, इसको भी खोलता हूँ। ये मिला मेरे को कटिंग पिलर। चलो दोस्तों, इसको लेके जाऊँगा यहाँ आगे पे। है ये मोटा यहाँ पे क्या कर रहा है? तेरी नुन्नु काट लूँगा, चला जा मेरे सामने से। चलो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। चलो तेरे को नहीं आना है तो कोई बात नहीं, इसको मैं वायर काटता हूँ यहाँ से।
और यहाँ से गेट को खोलूंगा, क्या इसके अंदर दिखाओ। इसके अंदर तो मेरे को कैंडल मिल गई है। हे रोड, तेरे पापा की कब्र पे जा रहा हूँ, तेरे को आना है क्या? उसके कैंडल जलानी होगी। चलो दोस्तों, उसको नहीं आना है तो वो चल के आएगा, और चलते हैं हम फिलहाल सर्कस के अंदर चलेंगे। चलो दोस्तों, ये गाड़ी चली हमारी सर्कस की ओर। ये चली हॉकी की गाड़ी और ये पहुंच गई सर्कस पे। चलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ सर्कस, मजा आएगा, सर्कस देखेंगे, मौज करेंगे। यहाँ पे मैं आ गया हूँ बाहर, पर यहाँ पे उससे पहले मेरे को इस परफ्यूम को उठाना होगा। चलो उठा लो परफ्यूम, और इस डब्बे के अंदर क्या है खोलो, क्या है इसके अंदर दिखाओ। अरे यार, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, मुझे आइस बहुत पसंद है दोस्तों। चलो दोस्तों, इसके अंदर देखता हूँ क्या है इसके अंदर, बताओ। लगता है इसके अंदर मुझे कुछ बड़ी चीज खुलने वाली है। अरे मुझको ये कार्ड मिला है, पर ये कार्ड लगाऊंगा कहाँ पे? यहाँ पे लगा देता हूँ। चलो खुल गया यार, मजा आ गई है। मोटू, तेरी बहन को तो इसने किडनैप कर दिया है, और तू यहाँ पे बंदूक लेके क्या कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है दोस्तों। और ये उसका दोस्त माइक है, थोड़ी सी गेम खेल लेता हूँ। ये गेम खेलता हूँ, कैसी है ये गेम, गेम के अंदर भी गेम, मजा आ रही है दोस्तों। कितनी बढ़िया गेम है यार, कितनी मस्त गेम है ये। मेरे को थोड़ी बहुत तो आती है यार, पर मुझे ये बंदूक लेनी होगी। अरे यार, मर गया। चलो फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। ये कूदा यहाँ से, इसको भी कूदा, इसको भी कूदा। एक कूद कूद के जाऊंगा, दौड़ दौड़ के जाऊंगा, मेरी चेन्नई एक्सप्रेस पकड़ के जाऊंगा। फिर से मार गया। अरे दोस्तों, फिर से मर गया यार। ये जितनी दिखाने में आपको सरल लगती है ना, उतनी सरल है नहीं, बहुत मेहनत लगती है। चलो दोस्तों, मेरी गाड़ी चली है, मैं बाहर आ गया गेम के बाहर। मेरे को जल्दी से वो लाना होगा परफ्यूम। कहाँ गया परफ्यूम? ये रहा मेरा परफ्यूम, इसको दे दूंगा माइक को, और उसके पास से कलेक्ट करूंगा और भी चीज। मेरे पास परफ्यूम है, तेरे पास क्या है? If you bring me something, मैं तेरे को ये परफ्यूम दूंगा, क्या उसके बदले में तुम मुझे कुछ और cool. चीजें दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो डील पक्की है। चलो दोस्तों, मुझे बदले में डोर का नॉब मिला है, उसको लेके गाड़ी के अंदर रखूंगा। ये रखा मैंने गाड़ी के अंदर, पर दोस्तों मुझे यहाँ से एक चीज याद आई है। इसको मैं एलन वेज को उठाता हूँ, और उसको लेके जाऊंगा बाहर की ओर, वहाँ पे फेंकूंगा, क्योंकि मेरे को गाड़ी के अंदर वापस आना ना पड़े। और ये रोड कहाँ कर रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहा है। ए रोड, मैं इसको यहाँ पे फेंकता हूँ, एलन वेंच को। ये मैंने फेंका एलन वेंच, और जाऊँगा यहाँ से ऊपर वाले रूम में। ये रहा, सीढ़ियों से जाऊँगा ऊपर, इसको खोलता हूँ, और यहाँ पे मुझको कैट फूड चाहिए। कहाँ है हमारा कैट का खाना? यहाँ पे होगा, ये देखो यहाँ रहा। मेरे को और भी खोजना होगा, यहाँ पे कोई और चीज़ है क्या? लगता है उसके अंदर कुछ नहीं है। चलो दोस्तों, मैं ले लेता हूँ कैट का फूड। ये रहा हमारा कैट का फूड, इसको उठा लेता हूँ और जाऊँगा सीधे नीचे की ओर। उसको मेरे को गाड़ी में रख के आना होगा। चलो दोस्तों, मैं उसको लेके जाऊँगा गाड़ी के अंदर। कहाँ गई हमारी कार? ये रही, इसके अंदर फेंक देता हूँ। ये रख दिया, और उसके बाद में और भी चीज़ें खोजनी है दोस्तों। चलो दोस्तों, वापस से उसी रूम में जाना होगा। चलो दोस्तों, ये आ गई सीढ़ी से, और जाता हूँ सीढ़ी से ऊपर। यहाँ पे इसके अंदर वापस से जाना होगा। ये कर दिया मैंने ओपन, और इसके अंदर क्या है दिखाओ। इसके अंदर मेरे को मिलेगा हैंगर। चलो दोस्तों, मेरे को हैंगर मिल गया है, और इसकी मदद से मैं लटक सकता हूँ वायर के ऊपर। यहाँ पे आ गया सबसे ऊपर वाले छत पे, और यहाँ से भी सीढ़ियों से जाऊँगा ऊपर। हे नल्ला, कहाँ पे नीचे गिर रहा है, ऊपर जाओ ना। ये आ गया मैं ऊपर। कितना बस्त नजारा है दोस्तों, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। और ये रहा वायर, उसको लटक के जाऊँगा सीधे उस कपड़े से अंदर।
ये आ गई केबल। चलो दोस्तों ये मैं लटका, इसके अंदर मैंने घुस गया, फट गया कपड़ा और मैं आ गया अंदर। और इस ट्रॉली को साइड में करता हूँ और इसके अंदर एक खुफिया रास्ता है, बिल्कुल खुफिया रास्ता, तहखाना है नीचे। और इस गेट को खोल के जाऊँगा सीधे अंदर। क्या बात है दोस्तों, कैसे कैसे रास्ते है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, यहाँ तो बहुत सारा अंधेरा है। चलो जल्दी से निकलो बाहर और इस खोलता हूँ, इसके अंदर क्या है, गैस सिलेंडर। पर उसको खोलने के लिए मुझे हेलन वेंच की ज़रूरत पड़ेगी जो मैंने रखी थी बाहर की ओर। चलो वापस जाऊँगा बाहर की ओर में, और यहाँ पे दरवाज़ा के लॉक लगा हुआ है, इस स्टॉपर को निकालना होगा दोस्तों। चलो दोस्तों इस स्टॉपर को मैं निकालता हूँ, इसको निकाला और ये खुल गया, मजा आ गई दोस्तों। हमने कहाँ छोड़ा था हेलन वेंच, ये रही हमारी हेलन वेंच। चलो उठाओ, इसको उठा के जाऊंगा वापस से उसी जगह पे जहाँ पे वो गैस सिलेंडर रखा हुआ है। चलो चलो दोस्तों मैं जाऊंगा वापस से उसके अंदर, ये रहा वो वाला दरवाज़ा, इसके अंदर से जाओ, यहाँ से जाओ नीचे। चलो दोस्तों इसके नीचे जाना होगा, इसको मैं खोलता हूँ, इस स्क्रू को, इसको खिले को निकालता हूँ, इस खिले को भी निकाला और इस खिले को भी निकालता हूँ और इसको पकड़ता हूँ। ये आ गया मेरे हाथ में सिलेंडर, उसको लेके जाऊँगा वापस से ऊपर और भी ऊपर जाऊँगा। मेरे को ये गैस सिलेंडर में उस रोड को आग लगानी होगी, उस रोड को मैं बम से उड़ाऊँगा दोस्तों, देखना आगे आगे होता है क्या। ये आ गया मैं अपनी गाड़ी के पास में और इसको रखूँगा, नहीं नहीं उसको रखूँगा नहीं, सीधा लेके जाऊँगा केमिस्ट्री एरिया के अंदर। इसको नीचे रखूँगा तो ये फट जाएगा, इसके लिए मुझे अपने हाथ में ही लाना होगा। क्या नज़ारा है दोस्तों, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। पर ये आइसक्रीम वाला कहाँ है, ये रोड कहाँ है तू, मैं तुमको उड़ाऊँगा मेरे दोस्त बन के, तूने बहुत बड़ा नाइंसाफी किया है। ये देखो ये रहा रोड, उसको मारूंगा। अरे यार ये तो बहुत भारी है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, इसके सर के ऊपर मारूंगा। ये मारा, तुझे चक्कर आ रहा है और मुझे मजा आ रहा है। चलो दोस्तों इसको लेके जाऊंगा, यहाँ पे रख देता हूँ, और भी हमें सामान लानी होगी दोस्तों। मुझे कैंडल रखनी होगी, वो भी इस रोड के पापा के कब्र के ऊपर। ये रही हमारी कैंडल, चलो जाता हूँ उस कब्र की ओर में। ये आ गया आइसक्रीम वाला, यहाँ रख दिया मैंने, अब ये जलाएंगा। आजा रोड, तेरी पापा की कैंडल जलाओ, मैंने रख दिया, अब दोस्त का काम तो मैंने कर दिया, अब जलानी होगी तो तेरे को ना, तुम उसके बेटे हो तो तेरे को ही जलानी होगी। चलो दोस्तों मैं आगे जाके देखता हूँ ये जलाता है क्या, नहीं जला रहा है बंदा, पता नहीं ये क्या कर रहा है यार। उस कैट फूड को रख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे रख दिया कैट फूड को, और ये कैट आएगी और इसको मैं पकड़ूँगा। चलो दोस्तों ये कैट आ गई है, कितनी प्यारी कैट है, पर उसको मेरे को उठाना होगा क्योंकि आगे और भी काम आने वाला है। जाऊँगा मैं सिनेमा घर के अंदर दोस्तों, मुझे अब इस कैट को लेके जाना होगा रोड के कमरे के अंदर, और वो कमरा यहाँ सिनेमा घर के अंदर है। चलो दोस्तों मैं उसकी कैट बदलूंगा अपनी कैट से, वो टाइम बम है और ये असली कैट। चलो दोस्तों इसको रख देता हूँ यहाँ पे और ये कैट को उठा लेता हूँ। ये क्लॉक वाली है, ये जब भी 4 सेकंड के अंदर फट जाती है, ये बहुत ही खतरनाक कैट है। चलो दोस्तों वापस से जाऊँगा केमिस्ट्री एरिया के अंदर, यानी कि कब्रिस्तान। चलो दोस्तों मैं जा रहा हूँ कब्रिस्तान में, ये मैं कहाँ आ गया, पता नहीं ये क्या कर रहा है। ये आइसक्रीम वाला तो उसको पाठ पढ़ा रहा है, गंदा गंदा पाठ, और ये उसकी बातों में भी आ रहा है मोटा। ये है पप्पू का दोस्त, पप्पू उसकी बातों में मत आओ, वो एक बहुत ही बुरा इंसान है, तुम्हें भी बहुत बुरा बना देगा। चलो दोस्तों ये क्या कर रहा है यार, ये तो रो रहा है, ये बोल रहा है मेरे को सारे दोस्त मेरे चुभी चुभी करके पुकारते हैं, पर तू है ही मोटा तो चुभी करके पुकारेगे ना।
पतला तो कहेगे नहीं। चलो मैं आ गया हूँ केमिस्ट्री एरिया के अंदर और मैं जाऊंगा यहाँ पे जहाँ पे मैंने गैस सिलेंडर रखा था। कहाँ गया? ये रहा। और यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ इसके ऊपर। और भी हमें माचिस चाहिए यार, ये माचिस कहाँ मिलेगी? लगता है ये यहाँ पे कैंडल जलाएगा और उसकी माचिस चुरा लेंगे। ये जला रहा है कैंडल अपने पापा की कब्र पे, ये कैंडल जला के यह क्या कर रहा है? अच्छा बंदा है यार, तो बच्चों को क्यों पकड़ता है? अच्छा बंदा है तो मैं अपने पापा को बताऊंगा ये आपका बेटा सुधर गया है, पर ये बच्चों को बहुत पकड़ता है, उसको जरा बता दो नहीं तो मेरे हाथ की मार खा खा के पतला हो जाएगा। चटनी बना दूंगा और यहाँ पे ले लेता हूँ माचिस का बॉक्स और जाऊंगा उस बम के ओर। यहाँ पे लग देता हूँ इसको, बुलाता हूँ पहले आइसक्रीम वाले को, उसको भी साथ में बम के साथ फोड़ूंगा, मज़ा आएगा दोस्तों। ये आ गया, यहाँ पे फेंक दी मैंने माचिस बॉक्स, यहाँ पे लगा देता हूँ वापस से और जल्दी से भागना होगा यार, अभी 4 सेकंड के अंदर फटने वाला है। ये कहाँ गया? ए यहाँ पे रे तू, उस बम फटने वाला, ये फट गया बम और हमारा जगह हो गया क्लियर। यहाँ पे दीवार तोड़ दिया है हमने, उसके अंदर एक सीक्रेट डोर है। कहाँ गया सीक्रेट डोर? पर उससे पहले दोस्तों मुझे ये जो माइक ने चीज दिया था वो अभी काम आने वाला है, आपको बताता हूँ। चलो दोस्तों मैं जाऊँगा माइक के ऊपर की ओर में। यहाँ पे क्या है? मैंने मारा रोड को, मारा है। चलो दोस्तों मैं अब जाऊँगा उसके अंदर और यहाँ पे देखता हूँ क्या मिलेगा इसके अंदर से। लगता है कुछ बड़ी चीज खुलने वाली है। इस लीड को ओपन किया, अरे वाह यार मुझे चाबी मिल गई है कैच की। चलो दोस्तों अब कैच की से मैं बचाऊंगा अपनी दोस्त की जान। ए मोटे तेरे को आना है क्या? मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त की जान बचाने के लिए, तुमको आना है क्या? नहीं जल्दी बताओ। अरे यार ये सुनता क्यों नहीं है, पागल कहीं का? छोड़ो उसको, मैं जाऊंगा वापस से। ओए रोड मैं जा रहा हूँ, तेरे को आना है तो आ, नहीं तो भाड़ में जा। चलो दोस्तों मैं गाड़ी में जाके बैठता हूँ और हम जाएंगे सीधे घर की ओर। मैंने अपनी दोस्त की जान बचा लिया है, मतलब ही बचाने वाला हूँ यार, मेरे हाथ में चाबी है तो उससे खोल दूंगा। देखो दोस्तों इस रोड को तो आना नहीं है, लगता है उसको अपने पापा की कब्रिस्तान पे ही रहना है। पर कोई बात नहीं, ये हमने खोला बबली के लॉक का दरवाज़ा। चलो दोस्तों ये हम उतरे गाड़ी के अंदर से, ये लगाई छलांग। और ये बबली क्यों नहीं उतर रही है यार? ये बबली उतर जा जल्दी से, उसको छलांग लगानी तो आती ही नहीं यार, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अभी क्या करना होगा यार? लगता है ये माइक बचाने वाला है। ए माइक अपनी फ्रेंड की जान बचा ले, अपनी फ्रेंड की जान बचा ले यार। अरे यार ये तो मोटू को बता रहा है, लगता है ये मोटू बचाएगा यार। ये मोटू अपनी बहन की जान बचा। और ये माइक क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है और ये क्या फेंक रहा है यार, पता नहीं क्या है। अरे ये तो हमने जो परफ्यूम दिया था वही वाला परफ्यूम है, पर इसके अंदर क्या है? वो बोल रहा है जब से मैंने तुमको पहली बार देखा था तब से प्रेम हो गया है। अरे क्या बात कर रहा है नल्ला? अरे यार उसने तो अपने दोस्त की बहन को ही फंसा डाला। पर कोई बात नहीं दोस्तों, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी करना। और शॉर्ट आउट का होगा है समय, पहला शॉर्ट आउट है नीलाद्री घोष, आगे की सारी वीडियो मस्त और जबरदस्त भी। थैंक यू नीलाद्री घोष, आपने कमेंट किया। दूसरे कमेंटर है हमारे बिलाल खान, प्लीज शॉर्ट आउट मी, चलो आपको शॉर्ट आउट दे दिया। और तीसरे कमेंटर है हमारे आर्यन कुमार, आगे इज द बेस्ट, थैंक यू, आपने आगे भी कमेंट किया था मुझे याद है। और हमारे चौथे कमेंटर है रोज मंदीप, आई लव यू ऑगी, थैंक यू मंदीप जी, आपने कमेंट किया, ऐसे ही कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। बाय।